सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बॉलीवुड ब्रेक न्यूज। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुष्पा फिल्म के डायरेक्टर सुकुमार की आने वाली फिल्मों के बारे में, जो 2022 से 2025 तक रिलीज कर दी जाएगी। तो बिना वक्त गवाए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें। पुष्पराज मैं झुकेगा नहीं। डायरेक्टर सुकुमार की फर्स्ट अपकमिंग मूवी का नाम है पुष्पा द रूल, यानी कि पुष्पा 2। ये इंडियन सिनेमा की मोस्ट अवेटेड एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है। इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर हैं सुकुमार। बात करें स्टारकास्ट की तो अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फाजिल एक बार फिर से लीड रोल्स में नजर आएंगे। वहीं सुनील राव, रमेश, धनंजय, अनुसुईया, अजय और जगदीश प्रताप भंडारी सपोर्टिंग कास्ट में नजर आने वाले हैं। फिल्म में अल्लू अर्जुन और फहद फाजिल का जबरदस्त फेसअप देखने को मिलने वाला है। आपको बता दें कि पुष्पा फिल्म 2021 में इंडियन सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 350 करोड़ का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। वहीं पुष्पा फिल्म ने हिंदी वर्जन में 100 करोड़ से ज्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है, जिसकी वजह से मेकर्स ने फिल्म के स्क्रिप्ट में थोड़ा बहुत चेंजेस करने वाले हैं हिंदी ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए, जिसे हिंदी ऑडियंस और भी प्यार देने वाली है। डायरेक्टर सुकुमार की माने तो और ये फिल्म मित्री मूवी मेकर्स के बैनर तले बन रही है, जिसे म्यूजिक देंगे DSP, जिन्होंने पार्ट 1 को भी म्यूजिक दिया है। और इस फिल्म की शूटिंग मार्च 2022 में स्टार्ट हो सकती है, जिसे 2022 में क्रिसमस के खास मौके पर रिलीज कर दिया जाएगा। सेकेंड नंबर पर है डायरेक्टर सुकुमार की अनटाइटल्ड रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म ओपी विजय देवरकोंडा के साथ। इस फिल्म की अनाउंसमेंट 2020 में ही हो चुकी है। पुष्पा 2 रिलीज होने के बाद ही डायरेक्टर सुकुमार विजय देवरकोंडा की फिल्म को डायरेक्शन देने वाले हैं, जो इस फिल्म के राइटर भी हैं। फिल्म में विजय देवरकोंडा लीड रोल में नजर आएंगे और ये विजय देवरकोंडा की 12th फिल्म होने वाली है, 12वीं फिल्म होने वाली है। फिल्म को म्यूजिक देंगे DSP और ये फिल्म 2023 के एंड तक रिलीज किया जा सकता है। तब तक हमें 2022 में विजय देवरकोंडा की पैन इंडियन फिल्म लाइगर देखने को मिलने वाली है। थर्ड नंबर पर है डायरेक्टर सुकुमार की एक और अनटाइटल फिल्म, जिसमें नजर आएंगे रामचरण। इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर हैं सुकुमार। फिल्म में रामचरण लीड रोल में नजर आएंगे। ये डायरेक्टर सुकुमार और रामचरण का सेकंड कोलैबोरेशन होने वाला है। इससे पहले दोनों ही रंगास्थलम फिल्म में नजर आए थे, जो काफी शानदार फिल्म थी। वैसे रामचरण ने खुद कन्फर्म किया है कि वो डायरेक्टर सुकुमार के साथ एक फिल्म कर रहे हैं। वहीं डायरेक्टर SS राजामौली ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो रामचरण और डायरेक्टर सुकुमार की फिल्म का ओपनिंग सीक्वेंस जानते हैं, लेकिन उन्होंने इस फिल्म के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ भी बताया तो उन्होंने कहा है कि डायरेक्टर सुकुमार को कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए। फोर्थ नंबर पर है आर्या 3। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म होने वाली है। आपको बता दें कि आर्या फ्रेंचाइज अल्लू अर्जुन और डायरेक्टर सुकुमार की बहुत ही पॉपुलर फ्रेंचाइज है, और इस फिल्म के दोनों ही पार्ट में अल्लू अर्जुन ने अपने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया था, जिसकी वजह से फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कलेक्शन भी किया था। और अब फिल्म का थर्ड इंस्टॉलमेंट पर काम किया जा रहा है। इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर हैं सुकुमार। फिल्म में अल्लू अर्जुन लीड रोल में नजर आ सकते हैं। वहीं अफवाह के माने तो विजय देवरकोंडा भी फिल्म में अल्लू अर्जुन को रिप्लेस कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर पर है डायरेक्टर सुकुमार और अक्षय कुमार की अनटाइटल फिल्म। डायरेक्टर सुकुमार और अक्षय कुमार जल्द ही एक फिल्म करते हुए नजर आएंगे, जहाँ पे अक्षय कुमार लीड रोल में नजर आएंगे। डायरेक्टर सुकुमार ने एक इंटरव्यू में बताया कि जिस दिन उन्हें एक अच्छी स्क्रिप्ट आती है तो वो अक्षय कुमार के साथ एक फिल्म करना चाहेंगे। वैसे ये दोनों जब एक साथ आएंगे इतना तो तय है कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक जबरदस्त धमाका होने वाला है, यानी कि ये बहुत बड़ी पैन इंडियन फिल्म हो सकती है। आप बस इमेजिन करो कि बॉक्स ऑफिस का क्या हाल होने वाला है। वहीं इस फिल्म को भी म्यूजिक देंगे DSP, जो हमेशा सुकुमार की फिल्मों को म्यूजिक देते रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी डायरेक्टर सुकुमार की आने वाली फिल्मों की कंप्लीट लिस्ट। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप कौन सी फिल्म के लिए एक्साइटेड हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।